नमस्कार आदाब, दिल्ली लाइफ में आपका स्वागत है। हम दादरी गौतम पुन्नाकर में आए हैं आज भाई फिरोज से पूछने के लिए क्या समस्या, क्या प्रॉब्लम है, आइए हम बात करते हैं। मेरा नाम फिरोज अली है और पिछले लगभग 2.5 साल से मैं बहुत परेशान हूँ एक पुलिस अधिकारी की वजह से, जो कि रिश्वतखोर अधिकारी है, जितेंद्र सक्सेना, थाना ब्रह्मपुरी मेरठ में तैनात। मेरे भाई के खिलाफ एक FIR मुकदमा दर्ज कराया था। एक मुकदमा दर्ज कराया गया है मेरे चाचा के खिलाफ, एक मुकदमा दर्ज है करीब 3-4 साल पहले। उसमें एक ज्ञानेंद्र गौतम नाम का आदमी है जिन्होंने ये मुकदमा FIR दर्ज करवाई है 420 की। उसने क्या काम करा, 3 लोगों के साथ FIR दर्ज हुई है, 3 लोग जेल में है। हमारे चाचा जो उसमें जो जेल में बंद है उनको छोड़ के हमें उसने घेरे में ले लिया, इंस्पेक्टर ने और FIR करने वाले ने। उन्होंने हमारे पास फर्जी नोटिस भेजे, फोनों पर धमकियां दिलवाई, हमने सारे अधिकारियों से शिकायत करी अपने एरिया की भी और मेरठ के एरिया को भी, लेकिन किसी ने इस मामले को संज्ञान में नहीं लिया। फिर उन्होंने फर्जी नोटिस भेजने शुरू कर दिए। हम उन नोटिसों का जवाब देने के लिए ब्रह्मपुरी थाने ब्रह्मपुरी गए। मैं और मेरे पापा और मेरे चाचा ताऊ, हम 8-10 आदमी वहां इंस्पेक्टर जितेंद्र सक्सेना के पास पहुंचे। हमने अपना मोबाइल रिकॉर्डिंग पे लगा लिया। उन्होंने कहा था कि भाई ऐसा है, आप बेगुनाह हो, हमें मालूम है, वो रिकॉर्डिंग में कह रहे हैं सब कुछ, हमारे पास CD है, लेकिन क्या करें, मुलजिम के भाई हो, कुछ तो आपको देना पड़ेगा, देखो ये तो पुलिस का हक बनता है। हमने कहा सर हम तो गरीब आदमी है, हम तो धोखाधड़ी में दूर तक कुछ ऐसा कोई मतलब ही नहीं है, FIR में मेरा जिक्र नहीं है, धोखाधड़ी में मैं मौजूद नहीं था। अब FIR के 2 साल बाद ये आदमी कह रहा है कि ये भी धोखाधड़ी में मौजूद था, तो बताइए अब मैं कैसे करूं। वो तो ऐसा है, अब मैं जानता हूं आप धोखाधड़ी में मौजूद नहीं थे। ज्ञानेंद्र जी जो इस केस जिन्होंने FIR कराई है वो मेरे पास आए थे, उन्होंने कहा था कि फिरोज को फंसा दो, कुछ पैसे मेरे मिल सकते हैं। हमने फंसा दिया। अब फंसाने का लिया है तो निकालने का भी तो तुम्हें देना पड़ेगा, 1 लाख रुपए का आप इंतजाम करो। ये रिकॉर्डिंग हमारी चलती रही, हमारे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है। अब हमने उन्हें 1 लाख रुपए नहीं, 20,000 रुपए हम उन्हें दे दिए। 20,000 के बाद 80,000 का हम पे इंतजाम नहीं हुआ तो उन्होंने हमारा चार्जशीट में नाम दे दिया। इस चार्जशीट के खिलाफ हमने SO ब्रह्मपुरी, CO ब्रह्मपुरी, SPCT मेरठ, SSP मेरठ, इन सारे अधिकारियों को से शिकायत की, लेकिन इसे किसी ने भी इस मामले को संज्ञान में लिया। हमें तो भरोसा दे दिया, हमें आश्वासन दिया कि आपके जरिए काम हो रहा है, लेकिन वहाँ उस अधिकारी के आज तक 2 साल हो गए इस मैटर को, शिकायत हम करते करते बड़े अधिकारी, किसी भी अधिकारी ने इस मामले को संज्ञान में नहीं लिया है। और FIR के 2 साल बाद इस नाम को जोड़ा गया है, और वो भी कोई खास जोड़ा नहीं गया है, उसने ये लिख दिया FIR में कि धोखाधड़ी करते में फिरोज मौजूद था, चार्जशीट में FIR के 2 साल बाद। अब ये 2 साल बाद जो नाम जोड़ा है इसका कोई प्रूफ नहीं, कोई कुछ नहीं। इसका एक भाई गौरव है जो मेरठ कोर्ट में वकील है, और ये खुद PWT का ठेकेदार है, PW का ठेकेदार है। इसका नाम है ज्ञानेंद्र गौतम, और ये नेता भी है, समाजवादी पार्टी का, किसी पार्टी का नेता भी है, बदमाश टाइप का आदमी है। हम गरीब आदमी, हमें इनसे कोई लेना देना नहीं, हमने कोई धोखाधड़ी नहीं की। हम ये चाहते हैं कि दोषियों के साथ सबसे सख्त कार्रवाई की जाए। एक पुलिस वाले ने हमें रिश्वत, 1 लाख की रिश्वत के ऊपर 420 बना दिया, जबकि हमारा कोई मैटर नहीं है। 20,000 रुपये हमने उसे दे दिए। मैं प्रूफ के साथ सारे अधिकारियों को हम इसका सबूत दे चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी भी अधिकारी ने इस मामले को संज्ञान में नहीं लिया है, मेरठ के किसी भी अधिकारी ने। बाय पोस्ट हमने दिए हैं, बाय हैंड भी दिए हैं, लेकिन अभी तक किसी को नहीं हुआ। और उस पुलिस वाले का प्रमोशन और हो गया है, उस पुलिस भ्रष्टाचार अधिकारी का प्रमोशन और हो चुका है। हमारी एप्लीकेशन, हमारे मुकदमे, किसी का भी उस पर असर नहीं पड़ा। और वो तो कह रहा है मैं तो पुलिस वाला हूँ, कितने कर लो, कुछ नहीं होने का। हमारा तो ऊपर तक पैसा जाता है साहब, 1 लाख रुपए मेरे ही थोड़ी ना है, मेरे तो ऊपर तक जाता है, वो तो रिकॉर्डिंग में कह रहा है सर। अब आप क्या चाहते हैं सरकार से? हम ये चाहते हैं सरकार से, वैसे तो हमें जब 2 साल में कुछ नहीं मिला तो अब 2 दिन में कहां से मिल जाएगा। 2 साल से हम गुहार लगा रहे हैं सरकार से भी, सीनियर अफसरों से भी, बस हम ये चाहते हैं कि जिनने हमारे साथ गलत करा है उसके साथ कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि जैसे हम फंसे हैं कोई और गरीब आदमी ना फंस जाए। क्योंकि कोई झूठे मुकदमे में फंसता है, उसमें से निकलता है, उसे बड़ा जोर पड़ता है, क्योंकि 200 रुपये कमाने वाला आदमी 2,000 रुपये वकील को देगा या जज साहब को खर्चा करेगा जाने आने में, कोर्ट में जाने आने में, तो बहुत जोर पड़ता है। आखिर कब तक हमारे देश में रिश्वत चलती रहेगी, बस यही मेरा सवाल।